जय हिंद बच्चों, मैं डॉक्टर विष्णु चंद्र पांडे द चाइल्ड वर्ल्ड स्कूल। आज आपकी हिंदी की पुस्तक वसुधा नामक से जो पुस्तक आपकी है, वसुधा बड़ा ही सुंदर नाम है बेटा जी। वसुधा, वसुधा मीन्स होती है पृथ्वी, धरा। आज मैं इस पुस्तक के माध्यम से सिखाने का प्रयास करूंगा आप लोगों को। इस पुस्तक में जो आपके पाठ दिए गए हैं, उस पाठ में किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब कुछ सिखाने का प्रयास करूंगा। सिखाने से पहले, सबसे पहले आपको मैं इस पुस्तक की उपयोगिता बता दूं। इस पुस्तक की उपयोगिता है बेटा जी, इस पुस्तक मनोरंजक, प्रेरणादायी एवं नैतिक मूल्यों पर आधारित यह पुस्तक है। कठिन शब्दों के अर्थ भी हैं, अभ्यास कार्य भी है, रोचकता एवं अवधारणा में सहायक चित्र भी हैं, व्याकरण के व्यवहारिक ज्ञान हेतु पाठ से संबंधित भाषा एवं व्याकरण के अभ्यास भी हैं, मौलिक चिंतन, कल्पनाशीलता एवं रचनात्मकता के विकास हेतु प्रयास भी किए गए हैं, शिक्षकों द्वारा बच्चों के लिए उपयोगी निर्देश भी हैं, मौलिक अभिव्यक्ति भी है, सस्वर वाचन भी है। इसलिए हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर सर ने इस पुस्तक को बड़े ही गहनता के साथ इसका अध्ययन करके, इसका मूल्यांकन करके, तब इसे विद्यालय में चलाने का, अर्थात लगाने का, आप लोगों के बीच इस पुस्तक को लाने का प्रयास किया है। आइए हम इस पुस्तक की विषय सूची देखते हैं। विषय सूची में पहला पाठ जो आपका है वो संकल्प है। बड़ा ही उत्तम शब्द है संकल्प। संकल्प जो है वह कविता है। क्या है आपकी पुस्तक में? कविता है, पाठ एक कविता, जो कि श्री राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित है। श्री राम नरेश त्रिपाठी जी, आप हमारे ही जौनपुर जिले के, उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिला है, जौनपुर जिले के एक कोइरीपुर नामक एक बाजार है, उस बाजार में बाजार के रहने वाले थे। इनका जन्म 1881 में हुआ था, 4 मार्च 1881 में हुआ था। बड़े ही प्रसिद्ध कवि थे। आइए हम इनकी संकल्प कविता जो है उसका सस्वर वाचन करते हैं। इस कविता के माध्यम से बच्चे अपने मन में क्या संकल्प ले रहे हैं, आइए उसे पहले हम सीखते हैं, उससे सीखते हैं और उसका पहले वाचन करते हैं। है चाह यही, संकल्प यही, हम करके कुछ दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। जो लोग पड़े अंधेरे में, अपनी ही नहीं नज़र में हैं, जो लोग पड़े अंधेरे में, अपने ही नहीं नज़र में हैं, उनके घर के हर कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे, उद्यम का दीप जलाएंगे। प्लीज स्टार्ट ओवर। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे, फिर से उत्साह जगाएंगे। रोको रोको मत, आगे बढ़ने दो, आज़ादी के रखवाले हैं, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लुटाएंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं, हम उन वीरों के बच्चे हैं, जो धुन के पक्के सच्चे हैं, हम उनका मान बढ़ाकर ही कुछ उनका कर्ज चुकाएंगे, कुछ उनका कर्ज चुकाएंगे। इस कविता में, जो संकल्प आपकी कविता है, इसमें बच्चों ने बड़े ही मन से, बड़े ही अंतरात्मा से, अंतरात्मा के अंतरतम गहराइयों से संकल्प किया है। इसमें अनमोल वचन जो आपके हैं, सौभाग्य वीर से डरता है और कायर को डराता है। जो सौभाग्य वीर से डरता है और कायर को डराता है, जिस मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं
वह शक्तिमान होकर भी कायर है और पंडित होकर भी मूर्ख है। इसमें कहा गया है कि जिस मनुष्य के अंदर अगर आत्मविश्वास नहीं है तो वह कितना भी शक्तिशाली हो लेकिन वह कायर के समान है और पंडित हो तो मूर्ख के समान है। ये राम प्रताप त्रिपाठी जी ने कहा है। मुट्ठी भर संकल्पवान लोग जिनकी अपने लक्ष्य में दृढ़ आस्था है इतिहास की धारा को बदल सकते हैं। इनके कहने का तात्पर्य यह है कि मुट्ठी भर संकल्पवान लोग अगर बहुत कम लोग हों और उनके जिनकी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ आस्था हो, लक्ष्य को पाने की दृढ़ आस्था हो, इसे हमें पाना ही है, उनके इतिहास की धारा को बदल सकते हैं, वे अपनी धारा को अर्थात इतिहास की धारा को भी बदल सकते हैं, महात्मा गांधी ने कहा है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज लेकर के उपस्थित होंगे, जल्द ही उपस्थित होंगे। धन्यवाद।